हिमाचल में बीजेपी के सामने रिवाज तोड़ने की चुनौती। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पार्टी कोर ग्रुप के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें रिवाज बदलने का मंत्र भी दे रहे हैं। दरअसल पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 1990 के बाद से किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनादेश नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने को एक स्थापित राजनीतिक रिवाज मान लिया गया है और इसलिए बीजेपी इस बार लगातार और बार बार हिमाचल प्रदेश की जनता से इस बार सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलने की अपील कर रही है। कई बार यह लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से कहीं ज्यादा सरकार बदलने के इसी रिवाज से है। इसलिए शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने के अगले ही दिन शनिवार को प्रदेश के सिरमौर जिले के सितौन में हाटी आभार रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि हिमाचल की जनता इस बार रिवाज बदलकर फिर से बीजेपी को चुनने का मन बना चुकी है। कई मायनों में हिमाचल प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है, इसलिए यहां बीजेपी आलाकमान की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हिमाचल प्रदेश की जीत हार से यह भी तय होना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर देश के मतदाताओं पर पड़ रहा है या नहीं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर बीजेपी से मुकाबले के लिए मतदाताओं की पसंद बन पा रही है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनाकर बीजेपी कई राज्यों के मतदाताओं खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के रिवाइवल की संभावना न के बराबर है। इसलिए एक रणनीति के तौर पर बीजेपी ने अभी तक वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसी वर्ष अगस्त में जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाकर आलाकमान की तरफ से राज्य में भेज दिया था। पार्टी के सबसे अधिक लोकप्रिय और स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं तो वहीं पार्टी के सबसे अधिक कुशल रणनीतिकार अमित शाह इस पहाड़ी राज्य में लाल टोपी हरी टोपी सहित प्रदेश के सभी इलाकों में रहने वाले सभी समुदायों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को खत्म करने के लिए फीडबैक के आधार पर कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है तो वहीं जनाधार रखने वाले नेताओं को कांग्रेस और आप से तोड़कर पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 48.79% मतों के साथ 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 41.68% मतों के साथ कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी।